हेलो एंड वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार सेशन पर, जो कि बेनिफिट ऑफ आईटीसी टैगिंग पर आधारित है। इस सेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे बिजी सॉफ्टवेयर में हम आईटीसी टैगिंग फीचर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, एंड इस फीचर्स के थ्रू कैसे हम अपने फिनेंशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस यूजफुल फीचर को बिजी सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले तो एक मार्केट सिनेरियो के थ्रू अगर हम समझे, हमारे मार्केट में लगभग 1 करोड़ 27 लाख के करीब टैक्स पेयर है, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है, और कंपोजिशन टैक्स पेयर तकरीबन 15 लाख के करीब है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तकरीबन 8,000 के करीब है। तो एक एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितने टैक्स पेयर्स हमारे मार्केट में अवेल है, कितने कंपोजिशन टैक्स पेयर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, इस सेशन पे हम लोग बेसिकली समझेंगे कि क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है अगर हम आईटीसी टैगिंग कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के द्वारा या बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। और अगर आप सबको लगता है कि ये फीचर काफ़ी यूजफुल और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए, तो क्विकली हमारे चैट बॉक्स में यस और नो से आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपका मैसेज हमें मोटिवेट करेगा इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिनेरियो लेकर के। पवन जो है एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जो अपना मटेरियल परचेज करता है किसी रजिस्टर पार्टी से या रजिस्टर सप्लायर से, और उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती है क्लेम आईटीसी क्लेम करने में। ठीक है, बट कुछ महीनों पहले उनको लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उनको वेस्ट करना पड़ता है लॉट ऑफ टाइम अपने आईटीसी कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो अब जो है आईटीसी कैलकुलेशन काफ़ी इजीली वो मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम जो है बिजनेस डेवलपमेंट पे या अपने बिजनेस ग्रोथ में दे सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी मैनेजमेंट पे, तो जो टाइम जीएसटी में कंप्लाइंसेस में लगता था वो टाइम अभी वो बिजनेस में लगा पा रहे हैं, तो उनका आईटीसी कैलकुलेशन इजीली मैनेज हो जा रहा है थ्रू बिजी सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अभी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पवन को जो है सॉल्यूशन मिला है, या बिजी सॉफ्टवेयर ने क्या सॉल्यूशन दिया जिससे उसकी जो है आईटीसी कैलकुलेशन काफी इजी हो गया है और वो जो है अपने टाइम जो है बिजनेस में जो है टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को टेक केयर कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या क्या सॉल्यूशंस बिजी सॉफ्टवेयर दे रहा है और क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा था। तो पहला चैलेंजेस जो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फेस करना होता है, दैट इज की कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी एज पर 2B फॉर फाइलिंग 3B। दैट मीन्स कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर हम 3B फाइल करने जा रहे हैं, तो 3B फाइल करने से पहले अगर हम कोई आईटीसी क्लेम करते हैं तो हमारी आईटीसी क्लेम की जो इफेक्ट है वो हमारी 3B में आते हैं, सेक्शन ऑल अदर आईटीसी में 3B में। तो वो कैसे पॉसिबल है या हम कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजी में एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो डाउनलोड करने का, आप बिजी में जो है अपना 2A या 2B ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आप मैच करा सकते हैं आपके इंटरेस्ट के साथ आपके सप्लायर ने क्या फाइलिंग किया है, और आप उस 2B के अगेंस्ट पे आप अपना आईटीसी क्लेम भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको मंथली आईटीसी टैगिंग का रिपोर्ट मिल जाएगा, जहां से आपको वो ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, वो परचेज एंट्री मिल जाएंगे जो 2A या 2B में ऑलरेडी फाइल्ड है, और उस पर आप क्लेम कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपको 3B में मिल जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी में ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि आपको जो है पहले डाउनलोड कर लेना है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं 2A 2B, तो आपको ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तो आपके पोर्टल से ऑटोमेटिकली जो है फाइल डाउनलोड होके बैठ जाएगा। तो ये जैसे जैसे आपके सप्लायर ने फाइलिंग करके रखा हुआ होगा, उस बेसिस पे ये मंथ ऑन मंथ डाउनलोड होना चालू करेगा, जैसे जैसे आप डाउनलोड बटन क्लिक करते रहेंगे, जिस 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 मंथ का मिलेगा उस मंथ का डाउनलोड करके वो यहाँ सेव कर देगा। और अगर हम मैनुअल मोड पे जाएंगे तो हम जेसन फाइल अगर पहले से डाउनलोड करके रखा है तो हमने जेसन फाइल पाथ को टैग कर देना है मंथ ऑन मंथ का। ठीक है, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, फिर आप मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A
टू बी में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें, हम सबको पता है कि टू ए और टू बी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। टू ए जो कि ये आपका डायनेमिक है और टू बी स्टैटिक है, मतलब कि टिल ड्यू डेट तक की जो इंफॉर्मेशन है वो टू बी में रिफ्लेक्ट करता है, आफ्टर ड्यू डेट टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ड्यू डेट तक की डेटा ही आपको टू बी में मिलेगा, जिस दिन का ड्यू डेट है उसी दिन डेट तक की टू बी में आपको डेटा मिलेगा। तो जैसे अगर हम टू बी वाइज आईटीसी टैगिंग रिपोर्ट में जाते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे अप्रैल मंथ कर लेते हैं, ठीक है, अप्रैल मंथ से लेकर के अगर हम अप्रैल टू अप्रैल का ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, वो वाउचर डेट के बेसिस पे देखना चाह रहे हैं या परचेज बिल डेट के बेसिस पे। तो इसका रीजन क्या है मैं बता दूं, जब आप परचेज एंट्री करते हैं बिजी में, तो देखिएगा जब आप वाउचर डेट डालते हैं और वाउचर नंबर डालते हैं, सेव करते वक्त परचेज का भी एक, परचेज बिल नंबर और परचेज बिल डेट का भी एक बॉक्स अलग से ओपन होता है। इसका रीजन क्या है, तो बिजी में ये प्रोविजन है कि हो सकता है कि आपने डेट डाल दे 1 तारीख को, बट आपका एंट्री डेट आपने 1 तारीख को डाला, लेकिन परचेज बिल डेट वो 2 तारीख का है या 3 तारीख का है, ठीक है। तो या आपने 2 तारीख का एंट्री किया है लेकिन परचेज बिल डेट था 1 तारीख का, ठीक है। तो आप अलग से परचेज बिल डेट का आपको स्क्रीन बॉक्स मिल जाएगा, सेव करता हुआ परचेज एंट्री, तो वहां पर अपना परचेज बिल नंबर भी डाल सकते हैं, परचेज बिल डेट भी डाल सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आपको दिखेगा वो आपका वाउचर डेट के बेसिस पे दिखाएगा या आपने जो अलग से परचेज बिल डेट डाला है उसके बेसिस पे दिखाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन आपको पूछा है, वाउचर डेट या एज पर परचेज बिल डेट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको वाउचर डेट कर लेते हैं, वी मेंशन कर लेते हैं, ये आपका नो रहेगा। तो अगर आप इसको यस करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो एज पर जीएसटी आर टू बी और एक आता है एज पर बुक। अगर हम एज पर जीएसटी आर टू बी देखेंगे तो ये अगेंस्ट द डाउनलोड आपको मैच करके डेटा दिखाएगा, मतलब टू बी के बेसिस पे डेटा दिखाएगा जो टू बी आपने डाउनलोड करके रखा है। और एज पर बुक मतलब कि आपने बिजी में जैसे एंट्री किया हो उसके बेसिस पे आपकी जो है एंट्रीज को दिखाएगा, भले ही वो टू बी में फाइल हुआ हो चाहे ना हो, वो आपको एज पर एंट्री आपने जो बिजी में किया वो एज पर बुक्स आपको दिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एज पर टू बी जाएंगे, एज पर टू बी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये अदर इंफॉर्मेशन भी आते हैं, जैसे अगर आपको प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन देखना है तो उसको एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको आरसीएम एंट्रीज भी इंक्लूड करना है कि अगर आपने कोई आरसीएम एंट्रीज करके रखा हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो बोलते हैं, किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर हम कोई सर्विस अवेल करते हैं या कुछ गुड्स परचेज करते हैं और वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो उस केस में वो आरसीएम के अंडर पड़ता है। तो आरसीएम के एंट्रीज भी अगर वो भी एक तरह का आप आरसीएम परचेज एंट्री के थ्रू भी कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज भी अगर आपको इसमें इंक्लूड करना है या इसमें देखना है आईटीसी टैगिंग में आपको आरसीएम एंट्रीज पे भी क्लेम लेना है, तो आप इसको वाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई आरसीएम एंट्री बना के रखा हुआ है, वो आरसीएम एंट्री आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगा जिसमें आप उस एंट्री को सिलेक्ट करके आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब सिलेक्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ऑल रहता है। अब अगर किसी को सिर्फ बी टू बी इनवॉइस देखना है या सिर्फ क्रेडिट और डेबिट नोट के बेसिस पे ये आईटीसी क्लेम करना है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पे आईटीसी क्लेम करना है एज पर टू बी, तो आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑल करेंगे तो सारे सेक्शंस की एंट्रीज हमें दिख जाएंगे उस मंथ के अंडर, अप्रैल टू अप्रैल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हमने क्लेम कर लिया, इसको हमने क्लेम कर लिया, इसको हमने क्लेम कर लिया। सपोज ये एंट्री है 366। अब इसको क्लेम करने से पहले भी हमें एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट की F6, तो F6 से हम इंस्टेंटली इसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, ये 2A में या 2B में इसका क्या स्टेटस है। तो अगर हम क्लेम करने से पहले चेक करना चाहें तो F6 बटन प्रेस कर लेंगे, तो ये बता देगा कि ये 2A में भी मिला है और ये फुल्ली मैच है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ एंट्रीज के साथ ये मैच है, जीएसटी 2B में भी ये फुल्ली मैच है अप्रैल में, तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो F4 बटन प्रेस करेंगे क्लेम करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए F6 है और F4 बटन प्रेस करेंगे क्लेम करने के लिए, ठीक है। इसको हमने जो है क्लेम अगर करते हैं इसको, तो क्लेम में भी हम रिटर्न पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि अप्रैल महीने का एंट्री है तो हम अप्रैल महीने में इसको क्लेम करना चाहें तो अप्रैल महीने में क्लेम कर लिए, ठीक है। तो जीएसटी और 2B में ये मिला है कि नहीं मिला है, तो अगर ये मिला है तो हम इसको फाउंड करते हैं, कब मिला है, अप्रैल महीने में मिला है, तो हमने इसको इसका रिटर्न पीरियड और टू बी स्टेटस भी हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंट्री हमने क्लेम कर लिया, इसका आप देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, आईटीसी अवेल आप अभी किए हैं, जैसे अभी हमने क्लेम किया तो ये आईटीसी अवेल हमने ये वाई हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे क्लेम किया तो ये आईटीसी अवेल इसको हम अवेल कर सकते हैं, तो ये बता दे रहा है कि आप इस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है रिफ्लेक्शंस आपको जो है मिल जाएगा 3B में, जैसे हम डिस्प्ले में जाएंगे
जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे और जीएसटी रिटर्न्स पे जाके 3B जब हम चेक करेंगे, स्क्रीन व्यू में पहले देख लेते हैं, स्क्रीन व्यू में अगर हम चेक करेंगे तो सपोज इसको मंथ ऑन मंथ ही देखते हैं, अब यहां पर अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये 3B फॉर्म में हमें सेक्शन जो है ऑल अदर आईटीसी में ये रिफ्लेक्शन दिखा देगा, ऑल अदर आईटीसीज में आप यहां पर देख सकते हैं जितनी भी हमने क्लेम किया हुआ है परचेज एंट्रीज पे एज पर 2B एज पर 2A, तो वो अगर हमने उसमें हो सकता है परचेज एंट्री हो, उसमें जनरल एंट्री भी हो सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी हो सकते हैं, फिलहाल अगर हम परचेज की एंट्रीज देखना चाह रहे हैं तो परचेज में एंट्री करेंगे, तो ये सर एंट्रीज है जिसको हमने क्लेम करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी जैसे हमने क्लेम किया हुआ है 366 दिया आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, 19 स्टार का एंट्री था, वाउचर नंबर 366 जो अभी हमने क्लेम किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा दिया, तो ये आपका ऑल अदर आईटीसी में ये आपको रिफ्लेक्शन दिखा देगा 3B में, फिर आप जो है 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी एक चैलेंजेस जो टैक्स पेयर फेस करते हैं आईटीसी क्लेम करना और आईटीसी क्लेम की रिफ्लेक्शन जो है 3B में कैसे लाना हो, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस में आ जाते हैं, चैलेंजेस नंबर 2 कि अगर हम डिटेल्स चेक करना चाह रहे आईटीसी अगर हमने क्लेम किया हुआ है तो क्लेम्स की जो हम डिटेल्स चेक करना चाह रहे करंट और प्रीवियस पीरियड का, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान के चलिए आपका जो परचेज एंट्री या जो सप्लायर ने आपको रेज किया हुआ है वो अप्रैल महीने का है और 2B में भी उसने अप्रैल महीने में फाइल कर दिया है, ठीक है, मैच कर गया आपका डेटा, बट आप उसको क्लेम कर रहे हैं मई महीने में, ठीक है। तो अगर आप मई महीने में उसको क्लेम कर रहे हैं तो फिर वो अदर देन आपका करंट पीरियड हो गया, तो वो अदर देन करंट पीरियड वाले सेक्शन पे बैठेगा। अगर आपने उसको अप्रैल महीने में ही क्लेम कर लिया, अप्रैल महीने का था और अप्रैल महीने में ही आपने क्लेम कर लिया तो आपका वो करंट पीरियड में आपका जो है आईटीसी क्लेम हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट्स आपको बिजी में मिल जाएगा, आपको बिजी में एक रिपोर्ट मिलेगा दैट इज आईटीसी क्लेम समरी रिपोर्ट। इस समरी रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है करंट रिटर्न पीरियड पे और क्या आईटीसी अभी तक आपने क्लेम नहीं किया हुआ है करंट रिटर्न पीरियड पे उसका भी जो एनालिसिस रिपोर्ट आपको बता देगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको आईटीसी क्लेम समरी भी मिल जाएगा एक रिपोर्ट, एक अलग से आईटीसी क्लेम रजिस्टर भी मिल जाएगा जिसमें आप किस किस ट्रांजैक्शन में क्या आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है, कब आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ उस ट्रांजैक्शन पे, उसकी आपको ट्रांजैक्शन लिस्ट आपको उस आईटीसी क्लेम रजिस्टर में भी मिल जाएगा। तो एक बार बिजी में हम लोग देख लेते हैं इसका रिपोर्ट कैसे दिखता है। तो आप देखेंगे कि मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2B के अंदर आपको ये आईटीसी क्लेम समरी रिपोर्ट मिल जाएगा जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी मिसलिनियस यूटिलिटीज के अंदर है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं आईटीसी क्लेम समरी रिपोर्ट को। तो अगर हम यहां से अप्रैल टू अप्रैल करते हैं और इसको ओके करेंगे तो यहां पर देखिए दो हेडिंग्स आ रहे हैं, एक तो आईटीसी क्लेम्ड इन करंट रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो करंट रिटर्न पीरियड अभी क्या है, अप्रैल टू अप्रैल है, ठीक है। तो करंट रिटर्न पीरियड में अगर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये अप्रैल महीने का ही डेटा है और हम अप्रैल महीने में ही इसको क्लेम किए हैं, मतलब अप्रैल महीने में ही इसको क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये करंट रिटर्न पीरियड में हमने क्लेम किया हुआ है। अब अगर हम यहां पर मे कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे टू मे, तो क्या रिफ्लेक्शन दिखेंगे, तो हमारे पास यहां पर जो सेकंड वाला है अदर देन करंट रिटर्न पीरियड पे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें बता देगा कि ये एंट्रीज जो है अप्रैल महीने का एंट्री है, ठीक है, हमने इसको मई महीने में जो है क्लेम किया हुआ है। अगर हम इस एंट्री को देखेंगे 360 वाला जो एंट्री है इसको अगर हम चेक करेंगे तो अगर एक बार हम 2B में आईटीसी में फिर से आ जाते हैं मंथली आईटीसी में और अप्रैल से सपोज हम इसमें जो है अप्रैल ही ले लेते हैं, जो वाउचर नंबर था 360 आप देख सकते हो यहां पर ये जो वाउचर नंबर है ये आपका 360 वाउचर नंबर जो है ये वाउचर नंबर 360 है, इसको हमने कब क्लेम किया मई महीने पे। अगर हम इस पे F4 बटन प्रेस करके दिखाएं तो हमने क्लेम कब किया था, मई महीने में क्लेम किया था, हालांकि ये अप्रैल महीने का एंट्री है, ठीक है। तो करंट इसका जो करंट पीरियड है रिटर्न पीरियड वो अपना अप्रैल का ही है बट हमने इसको नेक्स्ट मंथ में क्लेम किया मई महीने में,
तो इसीलिए ये एंट्री मेरा, जब हम इसकी समरी रिपोर्ट देख रहे हैं मई महीने डेट डाल के मई से मई का देख रहे हैं, लेकिन एंट्री मेरा अप्रैल का है, हमने क्लेम किया मई महीने में, तो इसीलिए वो अदर देन करंट रिटर्न पीरियड में दिखा रहा है, क्योंकि करंट रिटर्न पीरियड मेरा अप्रैल है। इस एंट्री का रिटर्न पीरियड जो मेरा अप्रैल है, ये अप्रैल महीने का एंट्री है, बट हमने क्लेम किया है कब, मई महीने में, ठीक है। इस तरीके से एक और ऑप्शन और एक जो है रिपोर्ट दिखा देते हैं, दैट इज की आईटीसी नॉट क्लेम, ये भी एक हेडिंग आता है, इसके अंदर भी दो रोज आते हैं, एक तो इनवॉइस नॉट क्लेम टिल डेट, मतलब जिसपे आपने अभी तक क्लेम नहीं किया हुआ है, ठीक है, मई से मई महीने तक की जो भी इस डेट इस रिटर्न पीरियड तक की जो भी एंट्रीज होंगे उसमें आपने क्लेम नहीं किया है, तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर देगा। और एक आता है कि इनवॉइस क्लेम अदर देन करंट रिटर्न पीरियड, मतलब कि अभी हम करंट हमारा करंट रिटर्न पीरियड यहाँ पर क्या है, मई टू में है, तो अगर इसके बेसिस पे समझे तो इसके बेसिस पे यहाँ पर मई महीने का एंट्रीज ही दिखाएगा, ये मई महीने का एंट्री है, यहाँ पर अप्रैल महीने का एंट्री नहीं दिखाएगा, दिखाएगा मई महीने का एंट्री, बट यहाँ पर मैंने मई महीने का एंट्री को क्लेम कब किया है, जून महीने में, ठीक है। तो अगर हमारा करंट रिटर्न पीरियड हम एनालाइज करें कि अभी हमारा करंट रिटर्न पीरियड मई टू में है, तो इस रो के बेसिस पे जो है मई महीने का एंट्री हमने क्लेम किया जून महीने में, तो ये फिर इन केस ये हो गया अदर करंट रिटर्न पीरियड पे हो गया, मतलब कि जो करंट पीरियड पे हम चेक कर रहे हैं मई टू में, उस पीरियड में हमने रिटर्न क्लेम नहीं किया है या आईटीसी क्लेम नहीं किया है, उसके बाद वाला मंथ पे, मतलब जून या जुलाई में क्लेम किया है, तो ये हमने क्लेम किया हुआ जून महीने में, तो ये एंट्री नंबर है 369। तो इसको दिखा देते हैं कैसे हमने क्लेम किया था, तो एक बार टू बी में चले जाते हैं, ये था मई महीने का एंट्री, तो हम मई से मई का चेक कर लेते हैं, वो एंट्री था 369 ये वाला वाउचर। तो अगर हम F4 बटन प्रेस करके दिखाएं तो ये हमने क्लेम कब किया था, जून महीने में, हालांकि ये एंट्री है मई महीने पे, अगर हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटस बता रहा है मई महीने में इसका जो है फुल्ली मैच हो गया, टू बी में ये मई महीने में फाइल हो चुका है, बट फिर भी हमने इसको जून महीने में क्लेम किया है, तो मतलब करंट रिटर्न पीरियड में हमने जो इसको क्लेम नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए हम को जो है ये करंट रिटर्न पीरियड पे ना दिखा के अदर देन करंट रिटर्न पीरियड पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली आईटीसी क्लेम समरी रिपोर्ट को व्यू करने का, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा दूं कि आईटीसी क्लेम समरी में जैसे अगर हम मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं, अप्रैल टू अप्रैल देख रहे हैं, तो अप्रैल टू अप्रैल में हमें करंट रिटर्न पीरियड में वही एंट्रीज दिखेंगे जिसका अप्रैल महीने में एंट्री हो चुका है, अप्रैल महीने में फाइलिंग हो चुका है और अप्रैल महीने में ही हमने क्लेम कर लिया है, वो एंट्रीज हमें रिफ्लेक्ट करेगा करंट रिटर्न पीरियड पे। और अदर देन करंट रिटर्न पे वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा जिसका एंट्री अप्रैल महीने में है बट, और टू बी में भी अप्रैल महीने में फाइल हो चुका है बट हमने मई महीने में क्लेम किया है, वो एंट्रीज हमें रिफ्लेक्ट करेगा अदर देन करंट रिटर्न पीरियड पे, ठीक है। और अगर हम इसकी रिटर्न पीरियड को चेंज करते हैं, मई महीने करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, या अगर हम अप्रैल टू अप्रैल ही रखते हैं, उसके बेसिस पे भी अगर ये एंट्रीज हम देखेंगे तो ये एंट्रीज हमारा अप्रैल महीने का है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अप्रैल हो या मई का महीने का है और हमने मई महीने में क्लेम किया, मतलब ये करंट रिटर्न पीरियड पे नहीं है, ये एंट्रीज सारे मई महीने का एंट्रीज है। अगर हम अप्रैल को ही करंट रिटर्न पीरियड समझ रहे हैं, तो अगर हम अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से समझे तो ये सारे एंट्रीज जो अदर देन करंट रिटर्न पे पीरियड पे आ रही है वो सब हमारी मई महीने में क्लेम हुआ है अप्रैल के एंट्री, बट हमने क्लेम कब किया है, मई महीने में, ठीक है। तो इसीलिए ये अदर देन करंट रिटर्न पीरियड पे आ रहा है। तो ये चैलेंजेस आते हैं टैक्स पेयर के लिए जो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इसकी रिपोर्टिंग जो है बिजी में मैनेज कर सकते हैं। एक आता है आईटीसी क्लेम रजिस्टर्स। अब आपने हो सकता है कि करंट महीने में क्लेम कर लिया या नेक्स्ट महीने में क्लेम किया, तो उसकी अगर आपको लिस्ट देखनी है कि किस किस एंट्रीज पे आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। पार्टी वाइज देखना हो पार्टी वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देखना हो डेट वाइज देख सकते हैं। डेट वाइज में जैसे कि डेट वाइज इन द सेंस ये एक्चुअली होता है मंथ ऑन मंथ वाइज, तो मंथ ऑन मंथ अप्रैल से लेकर के अगर आप जून महीने तक की आप डेटा देखना चाह रहे हैं, सारे सेक्शन का देखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ क्लेम एंट्रीज देखनी है या अगर आपको सिर्फ आपको ऑल एंट्रीज देखनी है, मतलब क्लेम अनक्लेम वो भी देखनी है, तो आप ऑल कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ क्लेम देखूंगा तो सिर्फ क्लेम एंट्रीज हमें दिख जाएंगे कि ये एंट्रीज में हमने क्लेम करके रखा हुआ है, ऑलरेडी हमने आईटीसी अवेल कर लिया है, ठीक है। इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, ये परचेज एंट्री की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, इसका डिटेल सब यहाँ पर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी डेट, जीएसटीएन, सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
दिखा देगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमें मंथली आईटीसी टैगिंग फीचर्स को यूज करना है बिजी में, या इसकी इसकी फैसिलिटीज को लेना है, तो इसके लिए आपको बिल बाय बिल फीचर्स को एनेबल रखना है बिजी में। बिल बाय बिल मतलब कि जब हम पार्टी या हम ट्रांजैक्शन परचेज या सेल ट्रांजैक्शन करते हैं, सेव करते वक्त बिल बाय बिल रेफरेंस बॉक्स जो ओपन होता है जिसमें हम पार्टी वाइज बिल रेफरेंस जनरेट करते हैं, तो वो बिल बाय बिल रेफरेंस आपको एनेबल रखना है, जो कि आप यहां से भी एनेबल कर सकते हैं। कॉन्फिगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके आप अकाउंट्स पे जाके यहां से बिल बाय बिल को एनेबल कर सकते हैं, ठीक है, ये फीचर्स को। तो ये फीचर्स मैंडेटरी है अगर आपको मल्टीली आईटीसी टैगिंग बिल बाय बिल मैनेज करना है। अगर आपको बिल बाय बिल आपके आईटीसी क्लेम करने हैं, आईटीसी टैग करने हैं, तो आपको बिल बाय बिल ऑप्शंस को एनेबल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चैलेंजेस ये हो सकते हैं टैक्स पेयर के लिए कि आईटीसी स्टेटस ऑफ परचेज इनवॉइस, मतलब कि आपका जो आईटीसी स्टेटस जो है कैसे आप चेक कर सकते हो, या किस किस रिपोर्ट से आपको वो स्टेटस देखने को मिल जाएगा, दैट इज कि वो परचेज एंट्री 2A या 2B में फाइल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, या किस किस रिपोर्ट से आप वो स्टेटस आपको चेक करने के लिए ऑप्शन दे देगा बिजी सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको बिजी में बेसिकली F6 बटन के थ्रू आप जो है इसकी स्टेटस को कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। ये आप परचेज रजिस्टर से कर सकते हैं, बिल्स पेबल रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं, लीजर से भी चेक कर सकते हैं, वेरियस रिपोर्ट्स हैं जहां से आप ये 2A 2B का स्टेटस जो है इजीली चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार बिजी में प्रैक्टिकली। तो जैसे हम मंथली आईटीसी टैगिंग करते वक्त भी आप F6 बटन प्रेस करके चेक कर रहे हैं वहां से, इसके अलावा भी अगर हमें अदर रिपोर्ट से चेक करना हो, तो हम अगर हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट में जाके अगर हम बिल्स पेबल में जाएंगे, तो बिल्स पेबल के माध्यम से भी या इस रिपोर्ट में भी अगर हम देखना चाहें, तो इस रिपोर्ट से भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप वाइज ले लेते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी देख सकते हैं नीचे शॉर्टकट लिखा हुआ है F6। अगर आप F6 बटन प्रेस करते हैं तो यहां से भी स्टेटस बता है। जिस भी एंट्रीज पे आप सिलेक्ट करोगे, जो भी एंट्री नंबर या जो भी परचेज रेफरेंस नंबर पे आप सिलेक्ट करोगे, उस पे F6 बटन प्रेस करना है तो आपका स्टेटस बता देगा, ठीक है। ये शॉर्टकट आप बॉटम लाइन पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। सेम अकाउंट लेजर है, जैसे GST है, अगर आप इसका अकाउंट लेजर भी देख रहे हैं तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। अगर पर्टिकुलरली एक लेजर के बेसिस पे आपको चेक करना है, जैसे GST का आपको देखना है, तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी परचेज में आप F6 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आपको स्टेटस बता देगा उस एंट्री को सिलेक्ट करके। तो आप अकाउंट लेजर से चेक कर सकते हैं, आप बिल्स पेबल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल जो आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर मिल जाएगा, बिल्स पेबल वहां से भी चेक कर सकते हैं, या आप जो है अकाउंट रजिस्टर जो है परचेज रजिस्टर यहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट्स है जो है आपको ITC आपको 2A 2B का स्टेटस चेक करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं F6, अगर इस परचेज एंट्री का स्टेटस चेक करना है F6 बटन प्रेस करें तो यहाँ पर भी आपको बता देगा, देखिए ये बता रहा है ये एंट्री फुल्ली मैच है, या ये 2A या 2B में फाइल्ड हो चुका है, ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है, ये 2A में फाइल्ड है, इसका स्टेटस बता रहा है। तो इस तरीके से आप क्लेम करने से पहले भी अगर इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो आप इस सारे रिपोर्ट से जो आप चेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे एक बार आ जाते हैं। ITC रिवर्सल। अब ITC रिवर्सल क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में आपने ITC क्लेम कर लिया जिसका आपको ITC क्लेम करना नहीं चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जेम्प्टेड एंट्री है तो उसमें आपने ITC क्लेम कर लिया, आपने क्लेम ले लिया, तो बट उसको आपको रिवर्स करना है, आपको गवर्नमेंट को रिवर्स करना है YTC, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोविजंस होती हैं, या अगर आप मान के चलिए आपने किसी सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किया है और उस सप्लायर को आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं दिया है, 180 डेज से आपका पेमेंट ड्यू है उस सप्लायर के पास, मतलब आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, और इन बिटवीन दैट आपने ITC क्लेम कर लिया आपके एंड पे, तो भी आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म या GST नॉर्म ये कहता है कि अगर 180 डेज या 180 डेज से ज़्यादा आपका पेमेंट ड्यू है तो आपको ITC अगर आपने क्लेम कर लिया है उस परचेज एंट्री पे, तो आपको ITC रिटर्न करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप 180 डेज के बाद अगर आप
अपने आपके सप्लायर को आपका जो ड्यू अमाउंट है वो आप सप्लायर को पेमेंट कर दे रहे हैं जिससे आपने परचेज किया है, उसके बाद फिर आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। बट नियम यह कहता है कि 180 डेज का अगर रहता है, 180 डेज से ज़्यादा आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है सप्लायर का और उस 25 एंटी में आपने ITC क्लेम कर लिया पहले से, तो आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजी कैसे सॉल्यूशन देता है इसके लिए, तो बिजी में आपको एक तो पहले ऑप्शन मिल जाएगा, बिजी में आप रिपोर्ट देख सकते हैं कितना पुराना, मतलब कितना 180 डेज से ज़्यादा कितने बिल पड़े हुए हैं जिसको जिसको आपको ITC रिवर्सल करना है या वो रिवर्सल के अंडर पड़ता है आपको, अगर आपने उस एंटी में ITC क्लेम किया तो आप उसको रिवर्स कर लीजिए। तो पहले तो आपको ये रिपोर्ट दिखा देगा कि आपके बिल वाइज क्या क्या एंटीज है जो 180 डेज से ज़्यादा है, मतलब 180 डेज के ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो आपने सप्लायर को पेमेंट किया नहीं 180 दिन के ऊपर है वो, तो पहले तो वो आपको रिपोर्ट बता देगा, फिर आप वहाँ से ITC रिवर्सल की एंट्रीज पास ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बिल वाइज ITC रिवर्सल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और वहां से अगर हमें ITC रिवर्सल एंट्री करनी है तो उसको कैसे हम पास ऑन कर सकते हैं या उसका एंट्री कैसे हम पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजी में आ जाते हैं फिर से एक बार, तो सबसे पहले तो आपको अगर ट्रैक करना है कि कितना पुराना बिल है, 180 दिन कितना पुराना बिल है जिसका अभी तक पेमेंट हमने सप्लायर को किया नहीं, 180 या 180 से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप GST रिपोर्ट में जाएंगे, GST अदर रिपोर्ट में जाएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बिल वाइज ITC रिवर्सल। तो मैं एक बार और क्लियर कर दूँ कि बिल वाइज ITC रिवर्सल या बिल वाइज ITC अगर आपको क्लेम करना है तो आपको बिल बाय बिल ऑप्शन एनेबल रखना ही रखना है बिजी में, ठीक है, तभी आप ये फीचर्स को अवेल कर पाएंगे, आप बिल वाइज जो है आप इसकी ट्रैकिंग कर पाएंगे कौन से बिल कितने पुराने पेंडिंग पड़े हुए हैं जिस पे आपने क्लेम किया हुआ है उसको रिवर्स करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही 180 डेज बैठ गया है, हमें कुछ बैठाना नहीं पड़ा, एज पर GST नॉर्म्स ये 180 डेज बैठ गया कि 180 डेज से पुराना कितना 25 एंट्री है जिसको जो ITC रिवर्सल के अंडर पड़ता है उस एंट्रीज पे अगर आपने टैक्स क्लेम करके रखा हुआ है उस टैक्स को आपको रिटर्न करना है या रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओके करेंगे तो हमें ये बता देगा कि ये एंट्रीज, अब ये बता रहा है पार्टी का नाम बता रहा है, टोटल अमाउंट बता रहा है, ये पेंडिंग अमाउंट बता रहा है, ये टैक्सेबल अमाउंट बता रहा है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है टैक्सेबल, उसमें टैक्सेबल कितना है, CGST कितना, SGST कितना अमाउंट हुआ है इस पे जो है परचेज बिल पे लगा हुआ है। अब जैसे इसको एंटर करेंगे इस वाले रो पे, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे इस पार्टी का, अगर हमें देखना है बिल वाइज तो ये हमें बिल वाइज बता देगा, देख सकते हैं 253 डेज से ये जो है पूरा 250 डेज से जो ये पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है, अभी तक पार्टी को हमने पेमेंट किया ही नहीं है सप्लायर को, ठीक है। अगर आपने इस एंट्रीज पे अगर हम इसको डबल क्लिक करके देखें कि हमने इस पे क्लेम किया है कि नहीं किया है, तो अभी हमने देखी यहाँ ITC हमने बता दिया कि इसको हमने जून महीने में क्लेम कर लिया है, बट अभी तक हमने इसको सप्लायर को पेमेंट ही नहीं किया है, इसका पेंडिंग है, ठीक है। तो ये अब 180 डेज के ऊपर हो गया है, तो सप्लायर के पास ये पेंडिंग है, हमने सप्लायर को पेमेंट किया नहीं, हालांकि हमने क्लेम कर लिया है, अपने पॉकेट में टैक्स ले लिया है, ITC क्लेम कर लिया है, तो एज पर GST नॉर्म्स आपको फिर ये रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल पे एंट्रीज क्या पोस्ट कर सकते हैं, इस एंट्रीज पे अगर आपको रिवर्सल करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं CGST 161195.68 है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली जनरल पे चले जाएंगे, ठीक है, जनरल पे जाके आप सपोज आप इसको जो है 28 फरवरी को आप इसकी रिवर्सल एंट्रीज कर रहे हैं, तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पर डेबिट क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा ITC रिवर्सल, आप एक लेजर बना लीजिएगा ITC रिवर्सल CGST ITC रिवर्सल IGST और SGST। अब जब ये आप लेजर बना रहे हो अकाउंट मास्टर पे बिजीस में, तो अगर आपको लगता है कि इसको जो है आपको आगे चल के क्लेम करना है, मतलब कि अगर आपने पेमेंट कर दिया सप्लायर को फिर आप चाहते हो कि जो मैंने रिवर्सल कर दिया उसको फिर से मैं क्लेम करूंगा, रिक्लेम उसको बोलते हैं बेसिकली, तो फिर आप इसकी ग्रुप जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर इस लेजर की ग्रुप को रख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई आगे चल के मैं इसको और क्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मैं रिवर्स कर दिया तो मैं इसको फिर क्लेम और नहीं करूंगा, तो फिर आप इसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ITC रिवर्सल आप CGST का भी हो सकता है, IGST का भी हो सकता है और SGST का भी हो सकता है, तो आप
तीनों लेजर बना के रख सकते हैं और उसका ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके रख सकते हैं। तो इसकी जनरल पोस्टिंग में डेबिट कौन सा पड़ेगा? डेबिट में आपका आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी अकाउंट पड़ेगा। क्या कितना अमाउंट पड़ेगा फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका अमाउंट जो है बेसिकली इसका अमाउंट हो गया 16,195.68, ठीक है। तो हम जनरल पे फिर से जाते हैं, इसका डेट हम 31/30 कर लेते हैं। और यहां पर जो है हम चले आएंगे जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट पे, ठीक है। फिर यहां पर डेबिट में हम करेंगे आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी 16,19.28, ठीक है। ये एक बार फिर मैं एक बार चेक कर लूं, 16,195.68 है, ठीक है। आईटीसी सीजीएसटी 16,195.68, ठीक है। और क्रेडिट जो हम करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी इंपोर्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी रिवर्सल एंट्रीज करेंगे। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आईटीसी रिवर्सल, जैसे ही हम सेव करेंगे तो जीएसटी टैक्स एडजस्ट में हम सिलेक्ट करेंगे आईटीसी रिवर्सल। और यहाँ पर हम रूल सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी रूल के अंदर आप इसको डालना चाह रहे हैं। आप रूल 42 के बेसिस पे डालना चाह रहे हैं, रूल 37 के बेसिस पे डालना चाह रहे हैं, तो आप रूल सिलेक्ट करेंगे। आप अपना जो है पीरियड एंड डेट डाल देंगे, जिस पीरियड एंड पे आप ये रिवर्सल करना चाह रहे हैं। और आपका जो है आप यहाँ पर अपनी जो है सी जी एस टी अमाउंट जो है 16,195.68 इसको आप कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से अगर आपको एस जी एस टी का भी करना है तो फिर उस केस में भी वही है, आपको फिर यहाँ पर जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट करना है और यहाँ पर आप आईटीसी आप एक साथ भी कर सकते हैं। आईटीसी जैसा भी मैंने सीजीएसटी किया, अगर एसजीएसटी करना है तो वो भी फिर वैसे ही होगा 16,198.68, ठीक है, 195.68। और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा एसजीएसटी इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ करना चाहे तो फिर डेबिट आपका आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, और फिर क्रेडिट भी वही होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आपका आईजीएसटी का है तो उस केस में आपका आईजीएसटी होगा। इस केस में अगर आपने आईजीएसटी रिवर्सल कर रहे हैं तो आईजीएसटी लेना है और यहां पर क्रेडिट आपको आईजीएसटी लेना है, आईजीएसटी इंपोर्ट लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली रिवर्सल का। जैसे आप सेव करेंगे फिर आपको यहां पर लेना है आईटीसी रिवर्सल, उसके बाद आप जो भी रूल के अंडर सिलेक्ट करना है वो रूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना सीजीएसटी के वैल्यू सीजीएसटी के अंडर डालेंगे, कॉलम के अंडर एसजीएसटी का वैल्यू एसजीएसटी के अंडर डालेंगे। अगर आप यहाँ से सिर्फ आईजीएसटी का कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो रहेगा, फिर आईजीएसटी में आपका ये वैल्यू बैठेगा, ठीक है। फिर आगे इसको आप सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इसकी जो है रिवर्सल रिफ्लेक्शन भी आपके जीएसटी समरी रिपोर्ट पे आ जाएगा। जैसे आप जीएसटी समरी रिपोर्ट में देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, तो आपको जो है यहाँ पर वो रिवर्सल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम 30/4 पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हम 1/4 से लेकर के 30/3/2022 कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी रिवर्सल एंट्रीज रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी अंदर रूल्स आपने जो रिवर्सल किए हुए हैं, रूल 37(2) के अंदर मैंने ये रिवर्सल एंट्री किया हुआ है, अभी पास ऑन किया है, तो ये रिफ्लेक्शन कर लिया जीएसटी समरी रिपोर्ट पे रिवर्सल वाले सेक्शन पे,
सेम रिक्लेम अगर करते हैं तो रिक्लेम और रिवर्सल का सेक्शन यही है, इसी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा जीएसटी समरी पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है पहले तो हम आईटीसी रिवर्सल चेक कर सकते हैं 180 डे से कितना पुराना है, जिसपे हम आईटीसी रिवर्सल हमें करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिवर्सल एंटी जनरल पोस्टिंग कर लेते हैं उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ हम देख सकते हैं, तो हम जीएसटी समरी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हम इजीली जो है इसको रिजॉल्व करा सकते हैं हमारे बिजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब आ जाते हैं बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस पे, बेस्ट टू बेस्ट इन द सेंस कि और क्या बेस्ट हम दे सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू जीएसटी कंप्लायंस पे। तो एक तो सिंगल क्लिक पे आप जीएसटी R1 और अपलोड कर सकते हैं या IFF भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा जॉब वर्क का मतलब छोटा सा जॉब करना पड़ता है, डेट इज़ कि आप फीचर्स एंड ऑप्शन पे जाइए, जीएसटी वैट के अंदर जाइए और यहाँ पर जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम आप डाल के आ जाइए। और आप जब जीएसटी पोर्टल में देखेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैनेज API, पोर्टल में जब लॉगिन करते हैं मैनेज API, जहाँ पर 30 डेज 6 आवर के बेसिस पे आप उसको सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप अपलोड करते जाएं तो आपको OTP आए आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पे। 30 डेज के बेसिस पे करेंगे तो 30 डेज बाद OTP रहेगा आपके पास, या 6 आवर के बेसिस पे करेंगे तो उसके बेसिस पे OTP रहेगा। तो जब भी आप इसको अपलोड करने जाएंगे जीएसटी पोर्टल डालने के बाद, आपको जीएसटी रिटर्न पे डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। डायरेक्ट अपलोड पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपको जो है अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर जैसे इसको अगर ओके करेंगे तो यहाँ पूछेगा प्रोसीड टू डायरेक्ट अपलोड, तो ये तभी काम करेगा अगर आपने पोर्टल के यूजर ने वहाँ पर कॉन्फ़िगर में डाल के रखा हुआ है बिजी में, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। दूसरा की है अपलोड करने से पहले भी बिजी आपको गाइड कर देगा कि कौन से ट्रांजेक्शन में क्या गलती आपने किया हुआ है, ठीक है। गलती इन द सेंस हो सकता है हम ह्यूमन या हमारे इनसे मिस्टेक हो सकते हैं, हम ह्यूमन एरर के बेसिस पर अगर समझे तो हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में हमने GSTN पार्टी का GSTN नंबर गलत ले लिया होगा, किसी पार्टी में डाल दिया होगा गलत GSTN नंबर, या उस ट्रांजैक्शन का होना चाहिए था 18%, हमने ले लिया 28% GST उस पर, ठीक है। या हमने लोकल पार्टी था, हमने सेंट्रल वाला टैक्स ले लिया, IGST वाला टैक्स ले लिया। तो अगर कुछ इस तरीके की एरर्स या मिस्टेक्स आप करते हैं तो यहाँ पर वो मिस्टेक्स लिखा आ जाएगा एंट्री वाइज। तो यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन में वो मिस्टेक लिख देगा कि आपने इस एंट्री में ये गलती किया हुआ है, तो आप इसको यहीं से ठीक कर सकते हैं। ये स्क्रीन अगर ब्लैंक रहा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन प्रॉपर है, और आगे फिर आप इसको प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपलोड करने के टाइम पे GST R1 आपके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए स्किप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मंथ टू मंथ फाइलिंग करना चाहते हैं मंथली, ये वो चाहते हैं कि भाई IFF के माध्यम से फाइलिंग कर दे, तो अगर आपने IFF के माध्यम से फाइलिंग कर दिया मंथ का, तो नियम ये कहता है कि अगर क्वार्टर जैसे होता है अप्रैल मई जून, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, आपने अप्रैल महीना IFF के थ्रू फाइलिंग कर दिया, मई महीना भी IFF के थ्रू फाइलिंग कर दिया, तो आपको जून महीना जो है आप GST R1 के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहला दो महीना फाइलिंग कर दिया। और नियम जीएसटी नियम ये भी कहता है कि अगर आपने आपका जो क्वार्टर का लास्ट महीना है, मतलब अप्रैल में जून में जून लास्ट महीना है, तो जून आप IFF के माध्यम से फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, IFF के माध्यम से सिर्फ क्वार्टर के पहले दो मंथ ही फाइलिंग कर सकते हैं। आपको क्वार्टर का जो लास्ट महीना है तो वो लास्ट महीना आपको GST R1 से ही फाइलिंग करना पड़ेगा। जब आप क्वार्टर का लास्ट महीना GST R1 से फाइलिंग करने जाएंगे तो आप स्कीप बोथ कर लीजिएगा, तो मंथ वन और मंथ टू मतलब अप्रैल और मई महीने का मंथ का फाइलिंग स्कीप हो जाएगा, फिर आपका जून महीने का फाइलिंग हो जाएगा, क्योंकि IFF आप जैसे फाइलिंग कर लेते हैं तो वो GST R1 पे ऑटो ड्राफ्ट हो ही जाता है, ठीक है। आपको दोबारा GST R1 फाइलिंग नहीं करना पड़ेगा अप्रैल और मई के लिए, आप स्कीप करके फिर सिर्फ जून का फाइलिंग कर सकते हैं, जून का डेट डाल के, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जून का डाल के फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक मिल जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें ऑटोमेटिक ईवेबिल इनवर्सिंग जनरेशन, तो इसके लिए भी एक छोटा सा TDS काम है आपका बिजी में, दैट इज़ कि आप फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएं, GST/VAT के अंदर जाएं, तो आपको यहाँ पर ईवेबिल इनवर्सिंग एनेबल का ऑप्शन मिलेगा। इसको एनेबल करेंगे तो GST कन्फिगर का एक बटन एनेबल हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको इतना ही करना है कि आपको आपके ई वेबिल पोर्टल में आप एक वन टाइम लॉगिन कर जाइए, और आपको वहाँ पर आपको
जो है यूजर आईडी, मतलब कि आपके लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसपी आईडी, यूजर आईडी क्रिएट करने का। तो आप जीएसपी जो सिलेक्ट करेंगे वो वेबटेल या पिनाकल सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बिजी का जो सुविधा प्रोवाइडर है जीएसपी वो है वेबटेल और पिनाकल। तो वेबटेल सिलेक्ट करेंगे तो वेबटेल के अंडर आप जो है, या पिनाकल सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंडर जो आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे ई वे बिल पे, वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो वो आईडी पासवर्ड से आप ई वे बिल और ई इनवॉइस के क्षेत्र में भी आपको फिर से करना नहीं पड़ेगा। ई वे बिल में जो आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वही, उसी से आप ई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका जो है, आप इसको डालने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे तो आप हर एक ट्रांजेक्शन से उसकी ई वे बिल इनवॉइसिंग ऑटो जनरेट होके आपके इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगा, आपका क्यूआर कोड भी इनवॉइस का प्रिंट हो जाएगा आपके टैक्स इनवॉइस पे। अगर आप हर एंट्री वाइज जनरेट नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हो कि भाई एक बार में मैंने 10 एंट्री कर लिया और दिन के एंड पे एक बार में ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट कर लूंगा, तो यहाँ से भी बल्क ई वे बिल इनवॉइसिंग ऑटो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर पूछा है कि आपको पहले जीएसपी क्रेडेंशियल का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के रखना है जो आप ई वे बिल पोर्टल पे क्रिएट करेंगे वेबटेल या पिनाकल के अंदर, ठीक है। इसकी कई सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे, कैसे आप ई वे बिल और ई इनवॉइस जो ऑटो जनरेट कर सकते हैं। तो आप फर्दर रेफरेंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को जो है में जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट फॉर ई वे बिल एंड इनवॉइसिंग। दैट मींस कि बिजी में आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा कि आप ऑडिट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन एलिजिबल था ई वे बिल इनवॉइस के लिए जिसमें अभी तक आपने ई वे बिल इनवॉइसिंग नहीं जनरेट किया हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप यहाँ से ऑडिट कर पाए, चेक कर पाए कि ये एंट्रीज, अच्छा ये वाला एंट्रीज था जिसमें हमें अभी तक मैंने ई वे बिल जनरेट किया ही नहीं है या ई इनवॉइस जनरेट किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है हम डाल सकते हैं वो डेट और इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या एंट्रीज हैं जो अभी तक हमने बेसिकली ये एंट्रीज है जिसमें हमने अभी तक ई वे बिल जनरेट किया ही नहीं है, ठीक है। ये एंट्रीज सारे पड़े हुए हैं जो एलिजिबल है बेसिकली, यहाँ पर लिखा हुआ ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड। सिमिलर वे में आप देख सकते हो ई इनवॉइस का भी ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको प्री डिफाइंड जीएसटी मास्टर्स मिल जाएंगे। दैट मींस कि आप जब आप फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहे हैं बिजी में, तो बिजी आपको बहुत सारे डिफॉल्ट जीएसटी लेजर्स क्रिएट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। जैसे टैक्स कैटेगरीज क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये सारे टैक्स कैटेगरीज आपके क्रिएट हो जाएंगे, 12%, 18%, 28%, ये सारे क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप जो भी लेजर्स वगैरह है वो भी आपके ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। जैसे आप अकाउंट्स में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, स्क्रीन में जाके ऑल अकाउंट्स देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफॉल्ट अकाउंट्स आपको क्रिएट मिल जाएगा। जैसे कि आपको अगर देखनी है कि भाई जैसे ये सेस सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट अवेल, आरसीएम, सीजीएसटी आउटपुट, ये इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट लेजर्स, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और अगर हम जीएसटी के एक्सपेंसेस के बारे में देखें तो अगर हम यहाँ पर ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम ग्रुप कर लेते हैं फिल्टर करके अगर हम देखेंगे, तो ये सारे जीएसटी लेजर्स आपके ऑटोमेटिक्स क्रिएट आपके हो जाएंगे फ्रेश कंपनीज पे, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड, अगर किसी का जीएसटी या टैक्स कैटेगरी चेंज हो रहा है विथ इफेक्टिव फ्रॉम, कि अभी 18% है, अभी वो 18% से 28% हो गया है, तो आप टैक्स कैटेगरीज में अगर कोई भी, आप पहले तो एक ऐड टैक्स कैटेगरी तो क्रिएट कर ही सकते हैं, अगर आपके पुराने टैक्स कैटेगरीज को अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पुराने टैक्स कैटेगरीज के लिए आप मॉडिफाई में जा सकते हैं, जैसे ये 18% है इसको 28% करना है, तो विथ इफेक्टिव डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको मिल जाएगा विथ इफेक्टिव डेट, मतलब जिस डेट से आप इसका टैक्स परसेंटेज को चेंज करना चाहिए। सपोज 1st of September से जो है इसका इसका जो है 18% जो 28% हो चुका है, ठीक है। तो ये जब आप इस 1st of September से एंट्री चालू करेंगे, जिस भी आइटम में ये परसेंटेज टैग रहेगा जीएसटी 18%, उसमें 28% के हिसाब से कैलकुलेट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको डेट वाइज या जीएसटी रेट मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एचएसएन कोड भी आपको मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि आइटम पे जब भी आपको एचएसएन कोड डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको
एक थ्री डॉट बटन मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप डेट वाइज अलग अलग एजेशन कोड डिफाइन कर सकते हो। सकता है कि कल एजेशन कोड ये था, चेंज हो गया इस आइटम का एजेशन कोड, तो आप विद इफेक्टिव डेट डाल के आप उसका एजेशन कोड, फिर नया एजेशन कोड मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी जीएसटी रिपोर्ट में रिफ्लेक्शन करेगा। ऑटो जीएसटी वन 2A 2B, जैसे मैंने बताया था कि आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से 2A 2B, और उसके बेसिस पर आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपके आपने क्या एंट्री किया है बिजी में और अगले वाले ने क्या फाइलिंग किया, मतलब सप्लायर ने क्या फाइलिंग किया है, तो वो मैच मिसमैच करके आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन सा एंट्री। अगर ये मिसमैच है तो ये ऐसा हाईलाइट करके बता देगा, ये बता रहा है कि देखिए जीएसटी 2A में ये एंट्री मिला है बट आपने बिजी में एंट्री किया ही नहीं है। इसकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, एज पर जीएसटी 2A डेटा में एंटर करेंगे तो ये बता देगा ये एंट्री, ये परचेज बिल नंबर आपका जीएसटी 2A में सप्लायर ने फाइलिंग किया बट ये एंट्री आपने बिजी में एंट्री किया ही नहीं है। तो आप बिजी में एंट्री कर लेंगे तो ये फिर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच मिसमैच भी आप रिकॉन्सिलेशन के थ्रू देख सकते हैं। एरर जैसे मैंने बता दिया, एरर चेकिंग टूल्स कि आप रिटर्न फाइलिंग करने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं कौन से ट्रांजेक्शन में आपने क्या गलती किया हुआ है। जीएसटी रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स, जीएसटी रजिस्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डिस्प्ले के अंडर, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रजिस्टर्स। अब जीएसटी रजिस्टर में क्या क्या मिल सकता है, सेल रजिस्टर्स, अगर आपको कंबाइंड रिपोर्ट देखनी है, बिल वाइज देखनी है, एचएसएन कोड वाइज आपको सेल रजिस्टर रिपोर्ट निकालना है तो एचएसएन कोड वाइज निकाल सकते हैं, आइटम वाइज निकाल सकते हैं, कंबाइंड मतलब बोथ B2B B2C के अलावा आपका लोकल और सेंट्रल वो सब भी आ जाएगा। ठीक है, अगर लोकल में भी जाते हैं सिर्फ लोकल का देखना है तो लोकल में भी आप बिल वाइज देख सकते हैं। अब बिल वाइज में भी पूछेगा कि अगर आपको B2B B2C दोनों का देखना है या सिर्फ B2B का देखना है, तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 2A 2B रजिस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, दैट मीन्स कि जो आपने आपका ऑटो डाउनलोड किया है यहाँ से 2A 2B पोर्टल से, उसकी डिटेल्स आपको ये 2A 2B रजिस्टर में मिल जाएगा। जो भी एंट्रीज आपने पोर्टल से डाउनलोड किया है उसका रिफ्लेक्शन आपको 2A 2B रजिस्टर्स पे दिख जाएगा एज पर द डाउनलोड। तो एज पर द डाउनलोड आपको ये एंट्रीज सारे दिखा देगा यहाँ पर कि पोर्टल में क्या कौन सा एंट्री किस तरीके से फाइलिंग हुआ है, क्या उसका टैक्स परसेंटेज था, वो आपका 2A या 2B रजिस्टर में अगेंस्ट द डाउनलोड आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44, ये भी अगर आपको देखना है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44 का मतलब हो गया कि इस रिपोर्ट के थ्रू आप उस सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं जो जीएसटी एप्लीकेबल के अंडर आता है या जो नॉन जीएसटी एप्लीकेबल के अंदर भी आता है। और वो एक्सपेंसेस हो सकता है कि आपने वाया परचेज के थ्रू एक एंट्री किया होगा कोई, या आपको जनरल के थ्रू एंट्री किया हुआ जो खर्चे के ऊपर है, तो मतलब जीएसटी का नॉर्म ये कहता है कि आप एक्सपेंसेस भी अगर कुछ कर रहे हो तो उस पर भी आपकी एक तरह का जीएसटी लागू होता है। तो जीएसटी अगर वो एक्सपेंडिचर जीएसटी एप्लीकेबल एक्सपेंडिचर है, कोई आप सर्विस ले रहे हो एसी रिपेयरिंग का या कुछ भी, तो आपका खर्चा हो गया बट वो उस पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इस तरीके, या इलेक्ट्रिक आपके कैरेज इनवर्स एक्सपेंसेस है RCM है तो वो एक तरह का जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44 में बता देगा कि ये जो खर्चा अवेल आपने रिकॉर्ड किया है ये जीएसटी एप्लीकेबल वाला खर्चा है, और ये खर्चा किसके थ्रू है, मतलब किसने आपको किसके बेसिस पे ये रिकॉर्ड किया है। अगर ये अनरजिस्टर्ड पार्टी से आपको ये खर्चा का एंटी आपने पोस्ट किया है, जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड वाला सप्लायर है या रजिस्टर्ड वाला सप्लायर है, तो उस कॉलम वाइज ये यहाँ पर वैल्यू रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से या कोई रजिस्टर्ड पार्टी से आपने ये खर्चा का एंटी पोस्ट किया है, परचेज एंटी हो या जनरल एंटी पोस्ट किया है, तो उस कॉलम के अंदर वो वैल्यू बता देगा, रिफ्लेक्शन दिखा देगा। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंसेस नॉन जीएसटी के अंदर है उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन आपको नॉन जीएसटी के अंदर दिखा देगा। अगर कोई एक्सपेंसेस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल वाला है, मतलब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, वो नॉट एप्लीकेबल वाला है, मतलब उसमें कुछ हमने नॉन जीएसटी या जीएसटी एप्लीकेबल कुछ किया ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल वाला मोड है, तो उस तरीके एक्सपेंसेस का रिफ्लेक्शन आपको इसमें इस रो में दिखने को मिल जाएगा। तो चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस एक और यूनिक फीचर है जिससे कि आप इंस्टेंटली अपने सप्लायर की या अपने कस्टमर की फाइलिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि उस सप्लायर ने या उस कस्टमर ने लास्ट कब का फाइलिंग किया था, GST-1 कौन से डेट में लास्ट फाइलिंग किया था, 3B कौन से डेट में फाइलिंग किया था, तो वो आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस पे मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर एक पार्टी का देखना है, वन पार्टी करेंगे, चेक फ्रॉम जीएसटी पोर्टल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप बोथ करेंगे, तो ये पार्टी का आपको मंथ ऑन मंथ बता देगा इस पार्टी ने लास्ट अप्रैल महीने में कौन से डेट में GST-1 फाइल किया था और 3B कब फाइल किया था। तो इससे आपको आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके सप्लायर टाइम टू टाइम फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपके कस्टमर टाइम टू टाइम फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आपको बिजी में मिल जाएगा। जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्रीज,
तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिजी में कि आप अगर चाहते हो कि भाई मेरा जीएसटी कितना इनपुट कितना आउटपुट जीएसटी है, उसमें से कितना मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, कितना मुझे इनपुट आउटपुट एडजस्ट करना है, कितना मेरा क्रॉस एडजस्टमेंट होना है, मतलब कि मेरा आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी को एडजस्ट करना है, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो वो हम जीएसटी समरी रिपोर्ट से हमें वो डिटेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल इनपुट जीएसटी मिल जाएगा, टोटल आउटपुट जीएसटी मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेमेंट अभी जीरो आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस पूछ लेगा। अगर कोई आरसीएम एंट्रीज है उसके साथ आप एडजस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कोई आरसीएम एंट्रीज आपने करके रखा हुआ वो भी आप अपने रेगुलर जीएसटी के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टिंग डेबिट पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हो गया, यहाँ पर सिर्फ आप अपना क्रेडिट पोस्टिंग, ये आरसीएम पेमेंट वाला हो गया। अगर आप आरसीएम के पेमेंट कर रहे हैं, आरसीएम का टैक्स जो है आपने अवेल किया उसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी पे करना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर बैंक क्रिएट करेंगे जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो बैंक आप क्रिएट करके रख रहे हैं, तो वो बैंक को जो आप क्रेडिट में टैग करके आप सेव करेंगे तो यहाँ से आपकी पोस्टिंग डायरेक्टली जर्नल पे लेके चला जाएगा, तो यहाँ से आपकी जीएसटी पेमेंट हो रही है, आरसीएम की पेमेंट कर रहे हैं आप। तो देख सकते हैं आपको मैनुअली कौन सा लेजर डेबिट करना है, कौन सा लेजर क्रेडिट करना है, कितना वैल्यू डेबिट करना है आरसीएम के लिए वो भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये आपका एक तरह का गाइडेंस है जो बिजी जीएसटी समरी रिपोर्ट से प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ से ऑटो पोस्ट करा सकते हैं। जैसे आरसीएम हो गया, वैसे अगर कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करना है जिसमें आईजीएसटी आउटपुट के साथ आईजीएसटी इनपुट एडजस्ट होना है, कुछ अगर वैल्यू रहेगा जो आईजीएसटी आउटपुट के साथ आईजीएसटी इनपुट या सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करना है, अगर वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर पोस्टिंग ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक है, आप अगर देख सकते कि यार लेजर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया था, इसका मतलब वैल्यू कुछ है जो आप इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये इसकी पोस्टिंग जो जनरल पे लेके चला जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होकर सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये लेजर डेबिट हो गया आईजीएसटी आउटपुट के साथ, आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेमेंट भी करना है रेगुलर जीएसटी पेमेंट, कुछ जीएसटी पेमेंट बचा हुआ है जो आफ्टर सब कुछ इनपुट आउटपुट एडजस्ट हो जाने के बाद कुछ अगर रिमेनिंग एक्स्ट्रा है जो मेरे पॉकेट में है, जो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो भी बिजी गाइड करके बता देगा कि इतना वैल्यू पे आपका पेंडिंग है और ये वैल्यू आप जो है बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जो भी बैंक सेलेक्ट करना है ले जाए उसको सेलेक्ट करके आप बैंक के थ्रू इसको आगे पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक बीएसआर कोड वगैरह डाल के, चालान नंबर वगैरह डाल के, बैंक बीएसआर नेम, बैंक नेम और बैंक बीएसआर कोड वगैरह डाल के आप इसका आगे पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट की एंट्रीज रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके की जो है बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस आपको जीएसटी कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम आईटीसी टैगिंग। ठीक है, तो ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे बिजी में जीएसटी को मैनेज करने के लिए। आरसीएम पोस्टिंग भी आप बिजी में इजीली कर सकते हैं। आरसीएम मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस अवेल किया है, चाहे आप परचेज से एंट्री कर रहे हैं या चाहे आप पेमेंट आप जनरल के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, तो उसकी अगर आपको आरसीएम पोस्टिंग करानी है तो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंडर आपको चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आप मंथली बेसिस पे पोस्टिंग कराना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपके अप्रैल महीने में या आपके मार्च महीने में या मई महीने में, जो भी मंथ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस महीने में हो सकता है चार एंट्रीज हैं। अगर मैं अप्रैल सेलेक्ट कर लूँ, अप्रैल महीने में मेरा चार आरसीएम एंट्री है, तो चारों आरसीएम एंट्रीज को कंबाइन करके कॉन्सुलेटर आरसीएम पेबल की एंट्री पोस्टिंग कर देगा। तो अगर ये देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में ये एक दो तीन चार पाँच छः एंट्रीज है, तो इसका टोटल जो आईजीएसटी अमाउंट निकलता है वो 390 निकलता है, 390। जो लाइबिलिटी आपको पोस्ट करना है वो है 390। जैसे आप यहाँ से जो है F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपकी देखिए लेजर कौन सा लेजर डेबिट करना है, कौन सा लेजर क्रेडिट करना है, वो भी आपकी ऑटो पोस्टिंग हो जाएगी। आप सिर्फ सेव करेंगे और यहाँ से आपकी जनरल पोस्टिंग ले लेगा आरसीएम का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 390 कॉन्सुलेटेड है, तो ये अलग अलग बिल, ये अलग अलग एंट्रीज है, ये अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग आरसीएम पोस्ट ना करके इसके कॉन्सुलेटेड आरसीएम पोस्ट कर देगा, सबका मिला के उस महीने के जितनी भी आरसीएम एंट्रीज है उसको मिला के एक आरसीएम पोस्टिंग करा देगा। ठीक है, तो वो आप F4 बटन प्रेस करके यहाँ से इसको पोस्ट करा सकते हैं। तो ये है आपका बेसिकली आरसीएम की पोस्टिंग की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप सबके साथ एक जो है एक अप्रिसिएशन लेटर शेयर करना चाहूँगा जो बिजी कंपनी को मिला है
जीएसटी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि सर्टिफिकेशन है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और मुझे खुशी है ये आप सबके साथ शेयर करने की कि बिजी जो है टाइम टू टाइम अपना रिटर्न फाइलिंग कर पा रहा है, अपना पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को मैनेज कर पा रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हुआ है बिजी कंपनी को। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है टाइम टू टाइम फाइलिंग बिजी कंपनी कर पा रहा है, जिस कारण से बिजी को आज ये अप्रिसिएशन लेटर मिला है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर पे भी मिला है, 22-23 में भी हमें अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हैं। अपने जीएसटी कंप्लायंस को जो है मैनेज करना चाह रहे हैं आप, सॉल्यूशंस इसका जो है कम्प्लीटली लेना चाह रहे हैं, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करिए। बिजी सॉफ्टवेयर को जो है आपको हर एक जो जीएसटी कंप्लायंसेस की इश्यूज है उसको टैकल करने में हेल्प करेगा, और आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस ग्रोथ पे और आपके टाइम टू टाइम फाइलिंग पे आपको हेल्प करेगा। कि अगर आपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने या सिंप्लीफाई करने के लिए आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, आप अपनी जो है जीएसटी ऑपरेशन को मैनेज करना चाहते हैं तो एफर्टलेसली आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आप एरर फ्री रखना चाह रहे हैं अपनी जीएसटी फाइलिंग को तो आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपनी एक्यूरेसी और मिनिमम एफर्ट को तो आप बिजी सॉफ्टवेयर जरूर यूज करें, ठीक है। फर्दर असिस्टेंस के लिए हमारे जो सपोर्ट टेक्स नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें जो है support@bizy.in पे भी आप जो है मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे जो 8282 सर्विस हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 ओपन है, उस पर भी आप कॉल करके अपना क्वेरीज को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं।